Assalamu alaikum everyone, this is Maheen Asad and I welcome you all in my YouTube channel. I hope sab log bilkul theek thaak honge aur sardiyon ko acche se enjoy kare honge. Like officially sardiyan jo hain wo aa chuki hain and acha lag start mein sardiyan zara achhi lagti hain. Mid mein aakar na jab zyada intense ho jati hain to us time pe bas ho jati hai. खैर काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ बिकॉज़ इतनी बिज़ी रूटीन चल रही थी बच्चों के साथ और फैमिली कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा थी. सो फाइनली आज आई एम गोइंग टू कंपाइल देम. और आज के वीडियो में एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं बच्चों की बाइसाइकिल्स परचेज़ करने के लिए और पिंडी की बिज़ी रशी रोड्स का तो मेरे ख़्याल से पिंडी इस्लामाबाद के जो देखने वाले उन सबको अंदाज़ा होगा ही. और आज ऐसा था कि ये संडे का दिन है और इस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी. हम लोगों ने थोड़ा जल्दी निकलना था लेकिन बारिश की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे. सो हम चांदनी चौक से नेक्स्ट इकबाल रोड आ गए थे. ये पर्टिकुलरली यही बाईसाइकिल्स वगैरह की मार्केट है. सो यहाँ पर हमने डिफरेंट शॉप्स जो हैं वो विज़िट की थी बिकॉज ऑलमोस्ट हर शॉप पे ही ऑलमोस्ट सेम मटेरियल था बाईसाइकिल्स का, लेकिन रेट्स जो थे ना वो फ्लक्चुएट कर रहे थे. तो फिर हमें दो चार पाँच शॉप्स जो हैं उनको विज़िट करना पड़ा था. तो बच्चे दोनों हमारे साथ ही थे और दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. जिस शॉप में जा रही थी ना, बस जिस साइकिल पे हम इन्हें बिठाते थे और ये बस कहती थी हमने यही लेनी है, यही वाली साइकिल लेनी है. तो खैर मुझे ना बहुत याद आ रहा था कि जब बचपन में हम लोग भी इस तरह बहुत एक्साइटेड होते थे जब हमारे पेरेंट्स लेके जाते थे. मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए भी हम बहुत एक्साइटेड हो जाते थे. सब बच्चे ही होते हैं आई थिंक, ये एज ही ऐसी होती है. और जब हम एक शॉप में देखते थे और वहाँ से मतलब हम नहीं ली, हम कहते थे चले नेक्स्ट शॉप में चलते हैं, तो सफ़ा और मनहा का मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता था. उन्हें ऐसे लगता था जैसे हम घर जाने का कह रहे हैं उन्हें. सो काफ़ी हमने शॉप्स देखी, पांच छह शॉप्स हमने विज़िट करने के बाद फाइनली एक शॉप से हमने इन दोनों की साइकिल्स ले ली. काफ़ी अच्छा मटीरियल है. लाइक सफ़ा की जो साइकिल है वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी है और मनहा की साइकिल भी अच्छी है. मनहा ने वहीं पर ही चलाना स्टार्ट कर ली थी साइकिल और बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि बस मैं इसको फ़ौरन से चलाऊं. और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी आज, मतलब एकदम बारिश हुई है तो गर्मी और सर्दी वाले फेज़ में ना इंटरफेज़ आया ही नहीं. आई थिंक एकदम से सर्दी आ गई है. तो बस अब काफ़ी देर लग गई थी यहाँ पे ही और थकावट मुझे तो बहुत ज़्यादा हो गई थी फिर के. यहाँ से फ्री होने के बाद हम सबको बहुत भूख लग रही थी तो पास में ही चांदनी चौक में फ़िश मार्केट है, वहाँ से हम लोगों ने फ़िश खाई. आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी तो बहुत अच्छी लग रही थी फ़िश खाने में. और बस इसके बाद मेरा कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा था तो पास में ही फिर हम कमर्शियल मार्केट चले गए थे. मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पहले भी लगाया था, मुझे एग्जैक्टली नाम इनका याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन काफ़ी अच्छा आइसक्रीम पार्लर है ये. बिल्कुल इट इज़ नेक्स्ट टू सेफ्रॉन एंड बड़ा नीट एंड क्लीन है. एम्बियंस बड़ा अच्छा है यहाँ का और इनकी जो आइसक्रीम है वो तो बहुत ही अच्छी है और ब्राउनीज तो बहुत मज़े की और मतलब सब कुछ ही अच्छा है. फर्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ पर विज़िट किया था हम बेसिकली उस दिन हम लोग सेफ्रॉन पे ही आए हुए थे तो इन लोगों ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ ना टेस्ट करवाई थी कि आपको हमारा टेस्ट अच्छा लगेगा तो आप फिर ज़रूर आएंगे. एंड लिटरली मतलब हमें बहुत अच्छा लगा था तो फिर आज हम स्पेशली यहाँ आए थे और काफ़ी अच्छा था टेस्ट, मज़ा आया खाने में काफ़ी. सो पिंडी इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो ज़रूर जाएं. आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा और रेट्स भी बहुत रीज़नेबल हैं इनके. अच्छा जी, यहाँ जब हम घर पहुँचे तो बस फिर कहाँ रहने होता है बच्चों से. रात में ही लाइक इस टाइम 11 बज रहे थे ऑलमोस्ट और सफ़ा और मनहा ने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी थी. सो आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करूँगी लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस बहुत एक्साइटिंग होने वाली हैं बिकॉज फैमिली में बहुत शादियाँ थी वन आफ्टर वन.
सो आई मैनेज टू कैप्चर मैक्सिमम. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने एडिट सबका बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.